हेलो एवरीवन, ओके कैसे हैं आप सब? ओके, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ऑलरेडी 1500 के आसपास हम वन वर्ड कर चुके हैं। आज हमारा ये 27th वीडियो है लाइव का, और अराउंड 40 वीडियोस रिकॉर्डेड भी डाली हुई हैं। तो आप एक बार कमेंट करके बताओ कि कौन कौन ऑनलाइन है, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। ओके, वी विल स्टार्ट द क्लास विद इन अ मिनट और टू। प्लीज कमेंट सो दैट आई कैन नो हु इज ऑनलाइन। 27th हमारा लेक्चर है लाइव वन वर्ड के ऊपर। ओके, आज जो क्लास रहेगी, आज ज़्यादा बड़ी क्लास रखेंगे, ठीक है ना। आज मेरा टारगेट है कि मैं वन वर्ड के कम से कम 200-250 हम प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के टारगेट के साथ है। तभी आज की जो क्लास रहेगी वो दो पार्ट में रहेगी। आज की क्लास दो पार्ट में रखेंगे अपन। बस 2 मिनट आपको वेट करना है, फिर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आप कमेंट करके बताओ, और मैं 1 मिनट अपना दरवाजा बंद कर दूं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट के लिए आ रहा हूं। हाँ जी करण, क्या हाल है? बढ़िया करण, आज डबल क्लास लगाएंगे वन वर्ड की, क्योंकि टॉपिक खत्म करना है आप इस बुक में से। जो पहला वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है ना। पहला वर्ड क्या? ऑप्टिमिस्ट। देखो दो वर्ड हैं, एक है पैसिमिस्ट, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, और जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसको बोलते हैं, जो इसका ऑपोजिट है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट है, ठीक है ना। हेलो रिद्धि, हेलो विजय, हेलो कुलदीप, करण, ठीक है ना। गॉसिप का मतलब तो आपको पता ही, गपशप को बोलते हैं गॉसिप। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकॉम्प्रीहेंसिबल। देखो जब आप कोई भी कंपटीशन कैरी करते हो ना, तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है समझना, ठीक है ना। कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब क्या होता है? समझना होता है। तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब, जिसको आप समझ ना पाओ उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रीहेंसिबल है, ठीक है ना। तो जो ये वर्ड बना है हमारा इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इसको हम कनेक्ट किससे करेंगे? कॉम्प्रीहेंशन से। कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन आप करते हो। देखो कॉम्प्रीहेंड करना क्या होता है? समझना। कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब क्या? समझना होता है। और कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है जिसको आप समझ सकते हो, और इनकॉम्प्रीहेंसिबल जिसको आप समझ नहीं सकते उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रीहेंसिबल। गुड इवनिंग विजय। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनसेक्टिसाइड। अब देखो हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ICIDE लिखा मिले तो उसका मतलब होता है जान से मारना। ये किलिंग को इंडिकेट करता है, ये किलिंग को इंडिकेट करता है। तो इंसेक्टिसाइड क्या होता है? इंसेक्ट्स को ख़त्म करना, या वो जो दवाइयाँ जो इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के काम आती हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स। हैं अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स। ऐसे जर्मीसाइड्स क्या होते हैं? जर्म्स को ख़त्म करने के जो काम आती हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है, देखो इन्फेक्शन को ख़त्म करना, या जर्म्स के कारण जर्म्स को ख़त्म करना या इन्फेक्शन को जो ख़त्म करता है उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक है। इन्फ्लेमेशन, देखो बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है, ठीक है ना। आप कई बार देखते हो कि बॉडी पे सूजन आ जाती है। हेलो गुरमीत, हाउ आर यू, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 200 के आसपास या 250 के आसपास वन वर्ड ख़त्म करेंगे, लेकिन बीच में ब्रेक लेंगे 2-3 मिनट का। देखो ये इन्फ्लेमेशन दिखा रखा है बॉडी का, जहाँ पे कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है, सूज जाती है जगह, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है ना। ये दिखा स्वेलिंग दिखा रखी है, रेडिशनेस दिखा रखी है, ये इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। देखो हमें पता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ICIAN लिखा मिले, ICIAN लिखा मिले, ये वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं? एक्सपर्ट को शो करते हैं। और ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब क्या होता है? जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो जो बच्चा डिलीवरी करना है,
तो उसको जो स्टाफ होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं जो बच्चा डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्स्टेट्रिशियन, अगर इसका इमेज देखें तो क्या बनेगा, देखो फीमेल की डिलीवरी करने के जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिशियंस, ठीक है ना। ये स्पेशलिस्ट होते हैं प्रेगनेंसी की डिलीवरी करने में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी का भाषण, स्पीच इन्वेस्ट स्टेटमेंट विच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है ना। जो स्पीच दी जाए बिना तैयारी के उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं एक्सटेम्पोर, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स टेम्पोर, तो यहाँ पे क्या है, जो पर्सन दिखा रखा है जो स्पीच दे रहे हैं, कोई बिना तैयारी के भाषण देता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिस्ट। देखो हमें पता है कि इंग्लिश में ऑर्थो का मतलब होता है सीधा करना, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, सीधा करना, और पेड का मतलब पाँव होता है या यहाँ पे हड्डी है, तो हड्डी को सीधा करने वाला यानी कि जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ही ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है, हड्डियों का डॉक्टर। तो ऑर्थोपेडिस्ट का देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, जो हड्डियों का डॉक्टर है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, गायनकोलॉजिस्ट। ये तो हमें पता है फीमेल्स का जो डॉक्टर होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ है। अ वुमेन हु इज स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज इज कार्डियोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम इज न्यूरोलॉजिस्ट, और अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज इज पेडियाट्रिशियन। देखो पेड का मतलब बच्चा भी होता है, इंग्लिश में पेड का मतलब क्या होता है, बच्चा होता है, और IATR का मतलब होता है दवाई। इंग्लिश में अगर आपको कभी IATR लिखा मिलेगा ये दवाई होता है, और ICIN क्या होता है, एक्सपर्ट। इसी वर्ड के लास्ट में अगर आपको ICIN लिखा मिलेगा ये एक्सपर्ट होता है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो हमारा वर्ड बनता है पेडियाट्रिशियन। तो बच्चों की दवाइयों में एक्सपर्ट, पेड का मतलब बच्चा, IATR दवाइयाँ, एशियन एक्सपर्ट। तो जो बच्चों को के डॉक्टर होते हैं छोटे बच्चों के, दे आर कॉल्ड पेडियाट्रिशियंस। इसमें यहाँ पे लिखता हूँ पेडियाट्रिशियन क्या होते हैं, छोटे बच्चों के डॉक्टर का, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है ये छोटे बच्चों को संभाल रही है डॉक्टर है, तो ये पेडियाट्रिशियन है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ये क्लियर नहीं है छोड़ देते हैं, मोमेंटो है। मोमेंटो देखो मोमेंटो क्या है, जब आप किसी को कोई याद के अंदर कोई चीज़ देते हो याद के तौर पे, हेलो अर्जू क्या हाल है, बढ़िया, तो ये मोमेंटो होता है। डेंटिस्ट आपको पता ही है, दांतों का जो एग्जामिन करता है डेंटिस्ट। ऑप्टिशियन क्या होता है, चश्मा बनाने वाला। ऑप्टिशियन का देखो इंग्लिश में ना ऑप्ट का मतलब होता है रोशनी या आँख, ठीक है ना। इंग्लिश में ऑप्ट का मतलब होता है, ये रूट है या तो लाइट को कह सकते हो या आँख का रूट है, और एशियन का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो ऑप्टिशियन का मतलब होता है आँखों का चश्मा बनाने वाला, ऑप्टिशियन होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्टिशियन तो क्या मिलेगा देखते हैं, बढ़िया बढ़िया आरचू बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आंखों की टेस्टिंग वगैरह कर रहा है, तो ये चश्मा बनाने के लिए है। तो जो डॉक्टर या एक्सपर्ट जो चश्मा बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिशियन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लीट। देखो फ्लीट क्या होता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ शिप्स, मतलब कि जहाज़ों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फ्लीट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेगा, ये फ्लीट का एग्जांपल है। जहाज़ों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कैनिबल। देखो कैनिबल क्या होता है, नर भक्षी, नर को खाने वाला, जो इंसान का मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल है। पहले की वीडियो में हमने कैनिबल पढ़ा भी है, देखो ये दिखा रखा है कि इस लड़की को खा रहे हैं शायद, तो ये सब के सब क्या है, कैनिबल है, नरभक्षी को बोलते हैं कैनिबल। नेक्स्ट है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब दो लोग एक ही समय के होते हैं, जैसे आप ये कह सकते हो मान लो कि जिस समय महात्मा गांधी थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है ना, तो ये क्या कंटेम्प्ररी थे, यानी कि हैपनिंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूनैनिमस। देखो एनिम का मतलब होता है नाम, हमें पता है, सॉरी एनिम इंग्लिश में इसको इंडिकेट करता है दिल को या प्राण को इंडिकेट करता है, दिल को या प्राण को इंडिकेट करता है। और हमारा वर्ड है यूनैनिमस, हमारा वर्ड क्या है, यूनैनिमस। देखो यहाँ पे जो यूएन है ना ये यूनिटी को इंडिकेट करता है, ये यूनिटी को इंडिकेट कर रहा है। एनिम का मतलब दिल, अगर सबके दिलों में एकता है, सबके दिल का एक ही मत है, तो उसको बोलते हैं यूनैनिमस है।
यानी कि अगर कोई निर्णय लिया गया जिसमें सबकी हाँ है, तो वो निर्णय क्या है? यूनैनिमस डिसीजन है वो क्या है? यूनैनिमस डिसीजन है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? जैसे मक्खी है जो दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है, उसको बोलते पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर रहने वाला। जैसे मक्खी क्या करती है? दूसरे पर निर्भर रहती है, उसको बोलते हैं पैरासाइट है ये। ठीक है ना? तो पैरासाइट में यहाँ पे मॉस्किटो ले देता हूँ। तो इसे क्या दिखा है भाई? तो यहाँ पे मच्छर दिखा रखा है। मच्छर क्या करता है? मतलब खून चूसता है दूसरे का। तो मच्छर क्या है? पैरासाइट है। दूसरे पर अपने भूख के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला क्या होता है? पैरासाइट होता है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। और ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथालय। ऑर्फन का क्या मतलब होता है? अनाथ। अगर मैं ऑर्फन यहाँ पे लिखूँ तो ये दिखा रखा है जैसे अनाथ आश्रम हो, और ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथालय। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेट्रियट। क्या होता है? देशभक्त। बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, ठीक है ना? इम्पोर्टर। इम्पोर्टर को इम्पोर्ट करना क्या होता है? बाहर का माल अपने देश में लाना, ठीक है ना? इम्पोर्टर क्या होता है? देखो जैसे मान लेते हैं इंडिया का मैप है। अब कोई बाहर का वो क्या करते हैं, एक सेकेंड, मान लो ये इंडिया का मैप है, और ठीक है ना, कोई बाहर से मान लो कि मैं अंदर ले, तो इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, और एक्सपोर्ट होता है बाहर भेजना। तो इम्पोर्टर क्या होगा? आयात करने वाला, इम्पोर्ट करने वाला। और एक्सपोर्टर क्या होगा? एक्सपोर्ट होता है बाहर भेजना। जब हम देश से सामान बाहर भेज रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्स का मतलब होता है बाहर। तो एक्सपोर्टर क्या होता है? बाहर भेजने वाला। एक्सपोर्टर क्या है? बाहर भेजने वाला। कॉर्प्स का मतलब होता है इंसान का शव। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? इंसान का शव होता है कॉर्प्स। इसमें यहाँ पर लिखता हूँ CORPSE। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? इंसान का शव। ये दिखा रखा है, देखो ये दिखा रखा है, ये आपको दिख रही है डेड बॉडी, ये ह्यूमन की, तो ये कॉर्प्स का एग्जांपल है। कॉर्प्स का मतलब इंसान का। कैरकेस का मतलब होता है जानवर का शव। कैरकेस का मतलब क्या होता है? जानवर का मरी हुई बॉडी कैरकेस होती है। कैरकेस क्या होता है? जानवरों का शव। ये दिखा रखा है आपको, डेड बॉडीज दिखा रखे जानवरों की, एक तरह से कैरकेस है, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। बायोग्राफर। देखो बायोग्राफी क्या होता है? अगर किसी के जीवन पर कोई किताब लिखी जाती है तो बायोग्राफी होती है, और अगर कोई खुद के जीवन पर किताब लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी होती है। ये तो मैं पता ही है। बायोग्राफी क्या होती है? अगर आप कोई किताब किसी और के जीवन पर लिख रहे हो बायोग्राफी है, और अगर आप खुद के जीवन पर लिखते हो तो वो क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। तो दूसरे के जीवन पर किताब करने वाला क्या होता है? बायोग्राफर होता है। खुद के जीवन पर किताब लिखने वाला ऑटोबायोग्राफर होता है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अगर आपने कोई किताब, आत्मकथा, खुद के जीवन पर आपने ही किताब लिखी, वो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। अब यहाँ तक कोई डाउट तो कमेंट करके बताओ। आगे चलते हैं फिर। बायोग्राफी आपको पता ही है, दूसरे के जीवन पर लिखी किताब। बैचलर कुआरा होता है। स्पिंस्टर क्या होता है? अगर कोई लड़की शादी नहीं करती उसको बोलते हैं स्पिंस्टर है या मेड है। मेड वैसे तो नौकरानी को भी बोलते हैं, लेकिन स्पिंस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जो लड़की शादी नहीं करती उसको बोलते हैं स्पिंस्टर है। नेक्स्ट हमारा लिटरेट। देखो लिटरेट और इलिटरेट दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो पढ़ लिख सकता है उसको बोलते हैं लिटरेट है। जो लिटरेट क्या होता है? जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको बोलते हैं लिटरेट। और इलिटरेट क्या होता है? जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको बोलते हैं इलिटरेट है, ठीक है ना? थीस्ट हमने कई बार डिस्कस किया है। इंग्लिश में THE भगवान को इंडिकेट करता है। थीस्ट का मतलब होता है भगवान को मानने वाला। अथीस्ट क्या होता है? जो भगवान को नहीं मानता। और मोनोथीस्ट होता है एक भगवान को मानने वाला, जो कहते हैं कि भगवान एक है उसको बोलते हैं मोनोथीस्ट। और पॉलीथीस्ट है जो कई तरह के भगवान को मानते हैं, कई सारे भगवानों को मानते हैं। और एक हमने पढ़ा था पेनथीस्ट, जो ये कहते हैं कि कण कण में भगवान है, उसको बोलते हैं पेनथीस्ट है। और पेनथियोन हमने एक वर्ड पढ़ा था, एक ऐसा मंदिर जहाँ पे सब भगवानों की पूजा होती है, या सर्वेश्वर मंदिर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सब भगवानों की पूजा होती है उसको बोलते हैं पेनथियोन है, ठीक है ना? तो ये कई सारे वर्ड्स हमने, थीस्ट क्या होता है? आस्तिक, भगवान को मानने वाला। अथीस्ट जो भगवान को नहीं मानता। एलियन क्या होता है? विदेशी, जो आपकी जगह का नहीं है, आपके एरिया का नहीं है, फॉरेन कंट्री का है, या पृथ्वी का नहीं है, पृथ्वी से भी बाहर का, तो वो एलियन है। एमिग्रेंट, देखो दो वर्ड हैं, एक वर्ड है एमिग्रेंट और एक वर्ड है इमिग्रेंट। मान लो इंडिया का मैप बनाया, मान लो अब कोई मान लो कि देश में आता है बाहर से, तो ये क्या है? हमारे लिए इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट को आप याद किससे करोगे? इन से लिखोगे, IM को पढ़ो IN। और एमिग्रेंट का मतलब होता है बाहर जाने वाला।
एमीग्रेंट का मतलब क्या है? बाहर। तो ई से क्या होता है? एग्जिट। जो देश से बाहर जाने वाला होता है वो होता है एमीग्रेंट, और जो देश में रहने वाला है बाहर से आ रहा है रहने के लिए वो एमीग्रेंट है, इमिग्रेंट है, ठीक है ना। तो ई क्या है? मतलब के बाहर के लिए, और आई क्या है? इन के लिए। एमेटिक, देखो एमिट करना क्या होता है? बाहर निकालना, ठीक है ना। एमिट करने का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो एमेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? बाहर निकालने वाला। जो गोलियां वगैरह हम खाते हैं ताकि उल्टियां आ जाए, जैसे किसी को मान लो कि खाना नहीं पचा, डॉक्टर ने कोई गोली दे दी ताकि उल्टी आ जाए, तो ये जो गोली है इसको क्या बोलेंगे? एमेटिक। एमेटिक वर्ड बने एमिट से, एमिट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो जो गोली बाहर निकालने वाली है उसको बोलते हैं एमेटिक है, बाहर निकालने वाली। बाहर निकालने क्या होती है? एमेटिक होती है। क्लियर? अब यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो। इन एग्जॉस्टिबल क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होगा। गुड इवनिंग कैप्टन, यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ, अभी बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। ऑल क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। देखो इमिग्रेंट, अभी अभी हमने पढ़ा, देखो जो देश से बाहर जाएगा वो क्या होगा? एमिग्रेंट होगा, और जो देश में आएगा वो क्या होगा? इमिग्रेंट होगा, वो क्या होगा? इमिग्रेंट होगा। तो ये दोनों वर्ड्स पढ़ लिए, आगे चलते हैं। एग्रेसर, देखो एग्रेसिव से बना है, जो मतलब कि आक्रमण, गुस्से में रहता है, फटाफट अटैक कर देता है। वो कमिट्स फर्स्ट अटैक, एक्ट ऑफ अटैक, जो पहले अटैक करता है उसको बोलते हैं एग्रेसर है। पहले अटैक करने वाला क्या होता है? एग्रेसर होता है। क्लियर? देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। देखो हमने कई बार पढ़ा है वाला वर्ड, ओमनी का मतलब होता है सर्व, हमने कई बार ये शब्द पढ़े। ओमनी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सर्व होता है। तो जो सर्वशक्तिमान है वो क्या है? ओमनी पोटेंट है, ठीक है ना। जो हर जगह पे है वो क्या है? ओमनी प्रेजेंट है। और जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है वो क्या है? ओमनी सीएंट का मतलब साइंस, जानने वाला। प्रेजेंट का मतलब जो है, और पोटेंट का मतलब शक्ति। जो सर्वशक्तिमान है वो ओमनी पोटेंट है, जो हर जगह पे वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी सीएंट, जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं ओमनी सीएंट है। नेक्स्ट है फेटलिस्ट। देखो हमें पता है कि फेट का मतलब होता है भाग्य। फेट का मतलब क्या होता है? भाग्य। जो भाग्य को मानता है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, उसको बोलते हैं फेटलिस्ट है। क्या बोलते हैं? फेटलिस्ट है। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। देखो हमने पहले जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं दे मस्ट बी नोइंग कि इंग्लिश में अगर MIS लिखा मिलता है तो ये नफरत को इंडिकेट करता है, और अगर फिल लिखा मिलता है ये लव को इंडिकेट करता है। तो मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है? दूसरों से। गुड इवनिंग अक्षय, गुड इवनिंग कैप्टन, ठीक है ना। मिसएंथ्रोप, मिस का मतलब नफरत होता है, और एंथ्रोप का मतलब होता है इंसान, और IST का मतलब पर्सन, दूसरे लोगों को निंदा करने वाला, दूसरों को पसंद ना करने वाला, दूसरों से घृणा करने वाला, दूसरों से जलने वाला, ये क्या? मिसएंथ्रोपिस्ट है। और फिल का मतलब होता है लव, दूसरों को पसंद करने वाला, दूसरों को अप्रिशिएट करने वाला, क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमेचर। देखो अमेचर का मतलब क्या होता है? कई लोग ना शौकिया काम करते हैं, मान लो कोई पर्सन है उसको ना बड़ा शौक है कि वो पेंटिंग वगैरह बनाए। मान लो एक पर्सन है, इसको बहुत शौक है कि पेंटिंग बनाए, ठीक है ना। ये पैसे के लिए नहीं आता, इसको शौक है, तो ये क्या है? अमेचर है। जो लोग शौक के लिए काम करते हैं ना कि पैसे के लिए, ठीक है पैसा वो खा रहे होंगे लेकिन मेन उनका शौक है, शौक के लिए वो काम करते हैं, उनको इसको बोलते हैं अमेचर है। नेक्स्ट है अल्फाबेट, तो आपको पता ही है। एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है? जो साल में एक बार आता है। एनेस्थेटिक का मतलब होता है जो बेहोश कर देती है, जैसे क्लोरोफॉर्म का आपने नाम सुना है, ठीक है ना। ईथर है, क्लोरोफॉर्म ही एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक क्या होते हैं? बेहोश करने वाली दवाइयाँ, जैसे आपने एनेस्थीजिया सुना होगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे एनेस्थीजिया आ रहा है तो देखो एनेस्थीजिया क्या करते हैं? मतलब बेहोश कर देता है। ये आपको दवाई दिखा रखी है, पेशेंट को जब ऑपरेट करते हैं तो उसको एनेस्थीजिया दिया जाता है, या एनेस्थेटिक ट्रीटमेंट होता है, ताकि इसको बेहोश कर दें फिर इसका ऑपरेशन करेंगे। तो एनेस्थेटिक क्या होता है? बेहोश करने वाला। एनालिस्ट क्या होता है? देखो एनालिसिस करने वाला, जो मतलब कि विश्लेषण करने वाला। ग्लटन क्या होता है? पेटू, हमने कल भी शायद वर्ड पढ़ा था। जो बहुत खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन है, जो बहुत खाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लटन बोलते हैं।
बहुत खाने वाला क्या होता है? ग्लटन। देखो ग्लटन, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये आप देख सकते हो, ये ग्लटन है जो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लटन है। नेक्स्ट है गूज। गूज का मतलब हंसी, हंस, हंस को बोलते हैं गूज। अगर मैं गूज देखो तो क्या है? देखो बगुला है या हंस है ये, ठीक है ना, वो आपको पता है ज्यादा, ठीक है ना, ये गूज है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है। थैंक यू राजन, थैंक यू, गुड इवनिंग राजन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? हार्बर। देखो जहां पर शिप्स खड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो आपने ये देखा होगा कि जो भारत है ये तीन साइड से पानी है, तीन साइड से क्या है? पानी है, तब इसको पेनिसुलर बोलते हैं। तो जो पानी है, समुंदर है, तो यहाँ पे शिप्स बने हुए हैं। कोलकाता का शिप है, चेन्नई है, केरला है, गोवा है, मुंबई है, कांडला है, तो यहाँ पे शिप्स खड़े होते हैं, तो ये क्या पोर्ट्स हैं? हार्बर्स हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं हार्बर का आपको यहाँ पे सीन दिखाऊं तो क्या दिखेगा? HARB। तो हार्बर का देखो क्या दिखेगा, तो ये बंदरगाह लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे शिप्स खड़े करने की जगह होती है, ये क्या होता है? हार्बर होता है। ये क्या है? हार्बर है, हार्बर बने हुए हैं शिप्स को खड़े करने की जगह। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हार्नेस, घोड़े की साज, एन इक्विपमेंट ऑफ हॉर्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हॉर्स हार्नेस, तो क्या मिलेगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ हॉर्स हार्नेस, ये आपको दिख रहा है सारा सर, इसका ऊपर का कवच जो है, इक्विपमेंट है, ये हार्नेस है घोड़े का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हार्पून। हार्पून क्या है? देखो हार्पून के मछलियां पकड़ने के लिए जो भाला टाइप होता है, जो आगे लगा होता है, उसको बोलते हैं हार्पून फॉर फिश। लिखता हूँ यहाँ पे, देखो हार्पून फॉर फिश। अगर मैं यहाँ पे इमेज देखूँ तो क्या बनेगा? देखो ये आपको दिखा रहे हैं, भाला सा दिख रहा है आपको, ये आप देखो तीखा आगे से, इस तरह से ये हार्पून है, जो बड़ी मछलियों को पकड़ने के काम आता है, उसको बोलते हैं हार्पून है। क्या बोलते हैं? हार्पून है। आप देख सकते हो इसके हाथ में ही क्या है? हार्पून है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? हार्ट, हिरन को बोलते हैं हार्ट, एन एडल्ट मेल ऑफ डियर, ठीक है ना, ठीक है ना। हार्ट, HARP, हार्ट मेल डियर को क्या बोलते हैं? ये तो एच दिल दिखा दिया, तो आप समझ जाना हार्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हेप्टागन। देखो हेप्ट का मतलब होता है सात, देखो हेप्ट का मतलब क्या होता है? सात। देखो हेक्स का मतलब क्या होता है? छः, और हेप्ट का मतलब क्या होता है? सात। अगर किसी इमेज के सात साइड्स हैं, सात एंगल हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं हेप्टागन, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो ये इमेज है, अब इसके अंदर सात साइड्स हैं तो ये हेप्टागन है, और अगर मैं हेक्सागन कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे? छः साइड्स बन जाएंगे। हेक्सागन का मतलब है छः साइड्स वाला, क्या होता है? हेक्सागन। तो हेक्सागन हो गया, हेप्टागन। हर्ड क्या होता है? पशुओं का झुंड क्या होता है? हर्ड। अगर हम यहाँ पे लिखें हर्ड, HERD, पशुओं का झुंड, भेड़ बकरियों का झुंड क्या होता है? हर्ड होता है। कोई भी पशु हो सकते हैं वैसे तो, हार्ड ऑफ काउस भी होता है, हार्ड ऑफ एलिफेंट्स भी होता है, तो कोई भी जानवर का झुंड का आप हर्ड हर्ड बोल सकते हो। हाईजेकर होता है अपहरण करने वाला, ये आपको पता ही है। होमोनिम का मतलब होता है, देखो दो ऐसे शब्द जिनकी साउंड एक है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ रीड रेड रेड, ये रेड की तीन फॉर्म्स है, रीड की तीन फॉर्म्स है, और एक में तो रेड। हाँ देखो इस रेड की और इस रेड की साउंड सेम है लेकिन ये अलग अलग है, तो ये क्या है? होमोनिम है। होमोनिम वो शब्द होते हैं जिनका उच्चारण तो सेम है लेकिन अर्थ एक ही है। मोनार्क क्या होता है? राजा होता है, सुप्रीम रूलर। मोनो का मतलब होता है एक, आर्क का मतलब होता है राज, जहां पर एक ही बंदे का राज है उसको बोलते हैं मोनार्की है, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? मोनार्क है। अरे यहां तक क्लियर हुआ? ये सुर नो कमेंट करके बताओ, फिर मैं यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, 2-3 मिनट का, और फिर हम वापस आगे नई क्लास स्टार्ट करेंगे अभी के अभी। अब बताओ कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। ओके अब देखो 9:08 हुए हैं, तो 2-3 मिनट में मैं वापस लाइव आऊंगा, ये मैं क्लास बंद कर रहा हूँ एक बारी, फिर वापस आप रिज्यून कर लेना, ठीक है। ओके